मंत्रासीनाय नमो नमः बंदो गुरु परंपरां बंदो महापुरुषस्य चरणारविंदम् ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। नामैव मम जीवनम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। आज से 15 दिन तक पितृ पक्ष शुरू हो गया है। यह 15 दिन वैदिक रीति के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हम यह 15 दिन हमारे जो लोग हमसे दूर चले गए हैं, हमारे हीत मीत, हमारे परिवार के लोग जो यह शरीर छोड़ करके अन्यत्र चले गए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए यह 15 दिन समर्पित है। इसके विषय में मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। वृंदावन में जो मलूक पीठाधीश्वर है, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, यह घटना उन्होंने कही है। कुछ समय पहले की बात है, हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो बहुत ही अच्छे भक्त और साधक थे, गीता प्रेस गोरखपुर, जहाँ से हमारी सारी धर्म पुस्तकें, धर्म ग्रंथ निकलते हैं, उससे वहाँ से उनका बड़ा अच्छा संबंध था। शायद वर्षों वर्षों तक वहाँ संपादक के रूप में बने रहे। यह उनके जीवन की बनी बनाई घटना है। मुंबई में रहते थे, चौपाटी पर जाकर के माला करते थे, मंत्र जाप करते थे। तो एक समय की बात है, समुद्र के किनारे मंत्र जाप कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनसे थोड़ी दूर पर कोई सफेद कपड़ा ओढ़े हुए आकर के बैठता है। यह क्रम कम से कम 4 दिन चला। तो चौथे दिन उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और रोज आकर के यहाँ क्यों बैठते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आई कि वैसे तो हम बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन चूंकि आप भक्त हैं, महान साधक हैं, आपने हमको संबोधित किया है, तो हमारे अंदर शक्ति आ गई और हम बोल सकते हैं। तो उस आत्मा ने अपना वृत्तांत सुनाया कि मैं यहीं मुंबई का पारसी हूँ और मेरा शरीर छूट चुका है, लेकिन मुझे शांति नहीं है। तब इन्होंने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूँ। तो उस आत्मा ने इन्हें बताया कि आप कृपा करके मेरा गया जी में पिंड दान करवा दीजिए, श्राद्ध करवा दीजिए, ताकि मुझे शांति मिले। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने हाँ कहा। एक मारवाड़ी, राजस्थानी मारवाड़ी पंडित को द्रव्य दिया,
जितना भी उनका बनता था और उनसे कहा कि आप गया जाइए और इस आत्मा का उद्धार करिए, शांति करिए। पोद्दार जी ने उस आत्मा से पूछा था कि मुझे कैसे पता चला कि चलेगा कि आपकी सदगति हो गई, तो उन्होंने बताया जिस दिन मैं यहाँ से जाऊँगा मैं आपको बता के जाऊँगा। तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जिस दिन गया जी में उस ब्राह्मण ने उनका पिंडदान संपूर्ण किया, श्राद्ध कर्म संपूर्ण किया, उसी समय यह आत्मा इनके पास, पोद्दार जी के पास आई और बताई कि मैं अब स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। इस घटना से मेरा आशय इतना ही है कि आप कितना भी एडवांस हो जाइए, कितना भी आगे चले जाइए, कितना भी बढ़ जाइए, कितना भी आपके पास धन धनाद संपत्ति हो, लेकिन अगर आप वैदिक रीति से नहीं चलते, आपका शरीर छूटने के बाद वैदिक रीति से कर्म नहीं होता, श्राद्ध नहीं होता, तो शांति नहीं मिलेगी। कृपा करके आप सब लोग यह 15 दिन अपने पितरों के लिए, हीत मीत के लिए लगाइए, उनकी शांति के लिए ब्राह्मणों के पास जाइए, जो कर्म है वो करिए, और अगर कुछ भी ना हो सके तो कम से कम उनको जल प्रदान करिए। आप भी सुखी रहेंगे और आपके जो पूर्वज हैं वो भी सुखी रहेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस बाल कांड में माता पार्वती की व्यथा का वर्णन करते हैं और बाबा जी बताते हैं कि माता पार्वती बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती का त्याग कर दिया है, बिन बताए त्याग कर दिया है, और इस त्याग से माता पार्वती बहुत ही दुखी हैं। इतनी दुखी हैं कि उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, नित नव सोचु नित नव सोचु सति उर भानम कब जई हूँ दुख सागर पारा श्री राम जय 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 राम। मैं जो किन रघु पति अपमाना पुन पति बचन मृषा कर जाना श्री राम जय राम। माता पार्वती सोचती हैं कि एक तो मैंने भगवान रघुनाथ का अपमान किया और अपने पति शिव की बात नहीं मानी। सो फल मोहि विधाता दीन्हा जो कछु उचित रहा सोई कीना श्री राम जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि माता जी सोचती हैं कि विधाता ने जो कुछ भी मेरे लिए उचित था वही किया, यह दुख मेरे लिए उचित था। अब विधिया सब जिया नहीं तो ही शंकर विमुख जियावस मोहि श्री राम जय राम। तो माता जी कहती हैं कि हे विधाता, मुझे भगवान शंकर जो मुझसे रूठ गए हैं, मुझे यह जीवन मत दो। कछु न जाये कछु हृदय गलानी मन महुरा मही सुमि
श्री सयानी श्री राम जय राम। तो माता जी ने अंततो गत्वा भगवान राम का सुमिरन किया है, भगवान राम से प्रार्थना कर रही हैं और कहती हैं, जो प्रभु दीन दयालु कहावा और तिहारन वेद जसुगावा श्री राम जय राम। तो माता जी भगवान को दीन दयाल कहती हैं और कहती हैं कि वेद आपको लोगों के दुख का हरता बताते हैं, अगर ये बात सच है तो मैं विनय करूं कर जोरी छूटू बेगी देह यह मोरी श्री राम जय राम। जो मोरे शिव चरण सने मन क्रम बचन सत व्रत श्री राम जय राम जय जय राम। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहूँ। हर हर महादेव जय सिया राम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। राम राम राम।